अनलॉक 4 के तहत सोमवार को इंदौर का चिड़ियाघर भी आम लोगों के लिए खुल गया है। हालांकि कोरोना काल में सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा यहां तमाम व्यवस्थाएं की गई है। लंबे समय के बाद आखिरकार इंदौर का प्राणी संग्रहालय भी खुल गया। लॉकडाउन के समय से ही चिड़ियाघर को बंद किया गया था। सोमवार को जब चिड़ियाघर खुला तो पहले ही दिन कुछ लोग यहाँ अपने परिवार और दोस्तों के साथ पहुँचे। बहुत अच्छा लग रहा हमें यहाँ घूम के, जो हम देखने के लिए आए हैं, अपने बच्चों को दिखाने के लिए। इससे बच्चों को नई प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है कि क्या क्या है यहाँ पे, अपने देश में कितने प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, कितने जीव जंतु हैं। जो हम चीज़ें फ़ोटो में देखते, जो बच्चों को हम फ़ोटो में दिखाते थे, आज वही चीज़ें हम उनको रियल में भी दिखा रहे हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। इससे बच्चों को एक अच्छा सीखने को भी मिलेगा और हमें भी इसके बारे में नॉलेज होगा कि यार हमारे देश में कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन खुलने के बाद अब यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कुछ नया है क्या? इसके पहले भी आप यहाँ पर आए? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम आया यहाँ पर। मैं इसके बारे में सुना जरूर था मैंने। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा काम था इंदौर में, सोचा कि टाइम है तो चिड़ियाघर भी घूम लिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो किस तरह से पालन हो रहा है यहाँ पर, और मास्क और सैनिटाइजर और गेट पे एंट्री से? सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल बराबर दिया जा रहा है, नहीं ध्यान, स्कैनिंग वगैरह भी हो रही है। मास्क का प्रॉपर अगर कोई नहीं लगा तो उसको बिल्कुल बीच में टोकर भी, सर आप प्लीज मास्क लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है यहाँ पे। कोरोना को देखते हुए यहाँ तमाम व्यवस्थाएं की गई है। टिकट काउंटर से लेकर व्यक्ति के प्रवेश तक बेहतर इंतजाम किए गए हैं। जो भी COVID-19 को लेकर जिला प्रशासन ने जो प्रोटोकॉल सेट किया उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं, और उसी के फॉलोअप में हम लोग विशेष रूप से ये ध्यान रख रहे हैं कि कहीं पर गैदरिंग ना हो, भीड़ ना लगे, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन हो। साथ ही हम लोगों ने जो गन थी, जो टेम्परेचर मेजर करनी, वो गन भी हम लोगों ने मेन गेट पे लगा रखी है। अगर कोई भी विजिटर्स अगर ऐसा आता है तो जिसको सर्दी खांसी जुकाम या कोई थोड़ा भी बढ़ा हुआ टेम्परेचर अगर है तो हम ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देंगे। मास्क लगाना अनिवार्य है, थूकना उस पर भी प्रतिबंधित है। अगर कोई व्यक्ति थूकता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर हम लोग पैरालाइज करेंगे। साथ ही हमारे जो कीपर्स हैं और जो स्टाफ है, गार्ड है, वो भी विजिलेंट रहेंगे ताकि जालियों, कोई भी विजिटर जालियों को न छुए, रेलिंग को न छुए, और सर्कुलेशन एक बना रहे विजिटर का, कहीं एक जगह इकट्ठा ना होने दे। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग पालन करा रहे हैं, और इसी व्यवस्था हम लोगों ने स्नेक हाउस के लिए भी तय की है। और सबसे बड़ी एंट्री की जो जू की एंट्री है वो टचलेस स्क्रीन के थ्रू है। जो कोई भी व्यक्ति टिकट लेता है तो सीधा टिकट अपने हाथ में आएगा उसके, और वो सीधा स्कैन करेगा और एंट्री कर जाएगा। तो जो कांटेक्ट है वो भी हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह के स्प्रेड के चांसेस ना हो। सर, संडे को जू खुला रहता था, अब संडे की जगह मंडे खुला रहता है, तो हाँ निश्चित रूप से थोड़ा सा चेंजेस जो लोकल स्तर पर हम लोगों ने किया है माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार, क्योंकि संडे को ज़्यादा भीड़ रहती है। उस भीड़ को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उसको रोकना थोड़ा टफ जाता है, इसलिए संडे को छुट हम लोगों को जू बंद रहेगा, उसकी जगह मंडे को ओपन रहेगा। ये व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर किया है। आपको बता दें कि मास्क के बिना लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं जहां हर सोमवार को वन्य प्राणी संग्रहालय बंद रखा जाता था, अब कोरोना के कारण अवकाश रविवार को रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, इंदौर।